हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि आपके यूट्यूब वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाए। फ्रेंड्स, एंड स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूँ एंड स्क्रीन क्या होता है। आप कभी भी कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी क्रिएटर्स का वीडियो देखते हैं, आपने नोटिस किए होंगे जब वीडियो ख़त्म होने आता है, यानी वीडियो के जो लास्ट के जो 15-20 सेकेंड जो है, उस टाइम पर आप देखे होंगे दूसरे वीडियो ऑटोमेटिक एक स्क्वायर बॉक्स में शो होने लगता है, या फिर दूसरे प्लेलिस्ट शो होने लगता है, किसी किसी का कोई लिंक शो होने लगता है, किसी किसी का सब्सक्राइब वाले बटन शो होने लगता है। यानी आप आपके जो व्यूअर्स है, आपके जो ऑडियंस है, उनको आप आपके कोई भी प्लेलिस्ट या फिर कोई भी वीडियो आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके व्यूअर्स आपके वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपका वीडियो उनको बहुत ही पसंद आया है, इसके लिए आपके वीडियो वो एंड तक देख रहे हैं। जब आपके वीडियो वो एंड तक देख रहे हैं, उस केस में अगर आपने एंड स्क्रीन नहीं लगाया है, उस केस में चांसेस है अगर उनका ऑटो प्ले मोड ऑन होगा तो दूसरे किसी क्रिएटर्स का वीडियो चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चांसेस कम है कि आपके वीडियो चालू हो। ऐसे केस में अगर आप एंड स्क्रीन लगाते हैं तो डेफिनेटली मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो व्यूअर्स है वो पहले प्रीफर करेंगे कि आपने जो एंड स्क्रीन पे जो आपने वीडियो या फिर आपने प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसका प्लेलिस्ट या उसी के रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हैं, तो आपके व्यूअर्स डेफिनेटली उस वीडियो को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आपको आपके वॉच टाइम बढ़ाना है, आपके व्यू बढ़ाने हैं, इसके लिए एंड स्क्रीन का इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हर वीडियो में आपके एंड स्क्रीन लगाएं। सो मैं आज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपको एंड स्क्रीन कैसे लगाना है। अभी कंप्यूटर पे लगाने का तरीका और मोबाइल पे लगाने का तरीका दोनों ही सेम है। अगर आप मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं तो उस टाइम पे आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है, 3 डॉट में क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपको आपके यूट्यूब में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, पीसी में जो प्रोसेस है, मोबाइल में सेम ही प्रोसेस है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम R&D डिजिटल में हमेशा की तरफ हम कंप्लीट टेक्निकल वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड कंप्लीट टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, कोई थ्योरी नहीं, कोई बकवास नहीं। अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका R&D डिजिटल चैनल सबसे बेहतरीन चैनल है। तो फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप आपके वीडियो अपलोड करते वक्त कैसे आप एंड स्क्रीन लगाए और एंड स्क्रीन लगाने का तरीका कैसा है वो डिटेल में सीखते हैं। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको अपलोड आपके मोबाइल पे या पीसी पे आप कहीं से भी कर सकते हैं, तरीका सेम है। जैसे मैंने आपको इंटर में बताया, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको वही तरीका, में कोई नया तरीका नहीं है। आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड कर लेना है। तो वीडियो अपलोड, आप देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, या आपको डेमो देने के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। वीडियो अपलोड करके जो डिटेल्स में जो भरते हैं वो सारे डिटेल्स आपको भर लेना है, उसमें कोई नया चीजें नहीं है। जैसे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, टाइटल लिखना रहेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना रहेगा, आपको नीचे आप जाएंगे तो आपको थंबनेल ऐड करना रहेगा, फिर आपको टैग वगैरह लिखना रहेगा। ये डिटेल्स वाले सेक्शन आपको भर लेना है। उसके साथ साथ आपका वीडियो का अपलोड जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने माउस ओवर किया तो वीडियो अपलोड कंप्लीट लिख रहा है। तो आप मान लीजिए कि आपका वीडियो अपलोड कंप्लीट हो गया है, तो जैसे वीडियो अपलोड कंप्लीट हो गया तो आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक न्यू स्क्रीन पॉपअप हुआ। अब ये न्यू स्क्रीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको आपका एंड स्क्रीन ऐड करना है। यहाँ पे ध्यान रहे, ये एक ही स्क्रीन में ऐड कार्ड यानी आई बटन और एंड स्क्रीन का है। अभी हम सीख रहे हैं कि आपको एंड स्क्रीन कैसे ऐड करना है। अभी एंड स्क्रीन ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो ऐड लिखा हुआ है उस ऐड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप आर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक न्यू विंडो पॉपअप हो गया है। अभी इसमें से ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है, आप आपके हिसाब से कोई भी एक लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं ये वाले लेआउट मैंने सिलेक्ट किया,
अब आपके हिसाब से मैंने डेमो दिखाने के लिए कोई भी एक लेआउट में लिया, ये मैंने मेरे हिसाब से एक लेआउट ले लिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे माउस जहाँ पे नीचे देखिए आप टाइम दिखा रहा है, माउस के क्रोसर जहाँ पे है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वीडियो जब एंड होता है तो आपको पर्टिकुलर कौन से जगह में आपको एंड स्क्रीन लगाना है, यानी वीडियो खत्म होने से पहले 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, आइडियली 5 से 15 सेकंड जो है आइडियल है। तो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से टाइम डाल सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरा वीडियो जो है 5 मिनट 37 सेकंड्स का है, तो यहाँ पे मुझे कहाँ डालना है, तो मैं यहाँ पे माउस के क्रोसर लेके मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी आप देखिए माउस के क्रोसर जो है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे 5:30 में मुझे 5 मिनट 30 सेकेंड्स में मुझे मेरे एंड स्क्रीन डालना है। अभी मैंने वहां पे उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस बटन है उस प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक किया यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन है, यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन है, यहाँ पे सब्सक्राइब के ऑप्शन है, यहाँ पे चैनल के ऑप्शन है और यहाँ पे लिंक के ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे वीडियो ऐड करना है या फिर प्लेलिस्ट ऐड करना है, अभी मैं एक प्लेलिस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ये हमारे यूट्यूब के वीडियो है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मेरे यूट्यूब वाले प्लेलिस्ट लोगों को दिखे। यहाँ पे देखिए ये सारे मेरे प्लेलिस्ट दिख रहे हैं, तो मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक किया तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं ऐड हो गया है। अभी मुझे अगर और एक प्लेलिस्ट ऐड करना है, मतलब प्लेलिस्ट ऐड करने का तरीका, वीडियो ऐड करने का तरीका दोनों सेम ही है। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे वीडियो दिखाई देंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे प्लेलिस्ट दिखाई देंगे। अभी मेरे और एक प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे लिंक्डइन सीरीज के प्लेलिस्ट है, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आप देखिए मेरे लिंक्डइन सीरीज के प्लेलिस्ट भी ऐड हो गए हैं। और ये मैंने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से ऑटोमेटिक है। ये है बेस्ट फॉर व्यूअर, मतलब जो व्यूअर है उसके लिए कौन सा वीडियो बेस्ट है, ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट फॉर व्यूअर या फिर मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड या फिर कुछ स्पेसिफिक वीडियो, यहाँ पे मैं मोस्ट रिसेंटली अपलोड भी ले सकता हूँ, इसका मतलब हमारे सबसे, मतलब ये जो वीडियो पब्लिश होने से पहले जो रिसेंट अपलोड हुआ है वो दिखेगा, या फिर जो वीडियो सबसे ज्यादा व्यूअर्स ने देखे हैं वो दिखेगा, या फिर आप कोई स्पेसिफिक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मोस्ट रिसेंटली अपलोड, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। आपने यहाँ पे जैसे ही सेव के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपका एंड स्क्रीन ऐड हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड स्क्रीन ऐड हो गया, टिक मार्क सिंबल आ गया, यानी कोई एरर नहीं, आपके एंड स्क्रीन ऑलरेडी ऐड हो गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। जैसा आप मेरे ये वीडियो ख़त्म होंगे आप देख पाएंगे, इसी वीडियो में भी एंड स्क्रीन मैंने लगाया हुआ है, और मेरे एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के प्लेलिस्ट के वीडियो लगा हुआ है। अगर आप मेरे दूसरे यूट्यूब वीडियो देखना चाहेंगे तो मेरे एंड स्क्रीन से आपको मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो मिल जाएंगे। तो एज ए न्यू क्रिएटर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप पहले बार या फिर शुरू शुरू में आप वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इससे पहले मैंने वीडियो आपको बताया था कि आपको आई बटन कैसे लगाना है, वो भी मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आपको आई बटन डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको एंड स्क्रीन भी लगाना चाहिए, आपका व्यूअर्स भी बढ़ेगा, आपका व्यूअर्स का रिटेंशन भी बढ़ेगा, वॉच टाइम भी बढ़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक्स और कमेंट डेफिनेटली करना, और अगर मेरे चैनल पे आप पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल का आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई फ्रेंड्स के काम के हैं तो प्लीज़ उनको आप फॉरवर्ड करना, आप उनको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसे ही आप हमारे R&D डिजिटल चैनल आप देखते रहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे R&D डिजिटल चैनल का आपको लिंक मिल जाएंगे सब्सक्रिप्शन का, और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएंगे, आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के लिंक, तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही आप R&D डिजिटल का वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे फ्रेंड्स।